अर्जित और सभी आएंगे एक दूसरे के करीब, क्यों सभी का फूटा मरुनू पर गुस्सा। क्या अर्जित करेगा सभी को पिकनिक परमिट। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में आने वाला है एक मजेदार ट्विस्ट, जहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। इतना ही नहीं, शो में जहां अभी तक आपको रजत सभी के बीच झगड़े होते दिखे, तो वहीं अब आने वाले ट्रैक में होने वाली है सरज के बीच रोमांस की शुरुआत। दरअसल शो का अपकमिंग एपिसोड आपके लिए काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर रजत सभी एक दूसरे के काफी ही करीब नजर आने वाले हैं, क्योंकि सभी को वायलिन प्ले करते देखकर रजत को सभी पर काफी ही प्यार आने लगेगा, जिसके चलते वो भी सभी के साथ मिलकर वायलिन प्ले करना शुरू कर देगा। और इसी दौरान हमें देखने को मिलेगा रजत सभी का रोमांटिक मोमेंट। बता दें कि दोनों ही एक दूसरे में काफी ही खोते हुए नजर आने वाले हैं, इसके चलते हो ना हो शो की टीआरपी पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि शो में जहां एक तरफ ये प्यार के बादल बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से सरज के प्यार के रिश्ते को लगने वाली है किसी की बुरी नजर, जिसकी वजह से दोनों के बीच रोमांस शुरू होने से पहले ही दरार आ जाएगी। दरअसल मरुनू की नजर धर्म पर पड़ जाएगी, जिसके चलते वो जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो धर्म और एक शख्स की सभी बातों को सुन लेगी, जहां पर वो ईशा के एक्सीडेंट के सबूतों को खत्म करने की बातें करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में इन सभी बातों को सुनकर मरुनू के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसके चलते उसके मन में रजत को लेकर कई सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सई और रजत आशिका कियान के साथ पिकनिक पर जाते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर जब सभी रजत के हाथों में सई का बैग देगी तो रजत सभी के हाथ में लगी चोट को देखने लगेगा। बता दें कि इसी दौरान आशिका की नजर रजत सभी पर पड़ जाएगी, जिसके चलते उसका गुस्सा काफी ही हाई हो जाएगा और वो रजत को वहां से जाने के लिए कहती नजर आएगी। ऐसे में सभी रजत को जाते देखकर काफी ही इमोशनल हो जाएगी और वो रजत के ख्यालों में भी खोती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी दौरान मरुणमयी वहां आकर सभी को रजत के झूठ के बारे में सब कुछ बता देगी, जिसके चलते सभी मरुणमयी की बातें सुनकर उस पर भरोसा करने से साफ इनकार कर देगी, जिसके चलते दोनों के बीच काफी ही बड़ी बहस हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अर्श आके सभी को सब कुछ बता देगा, जिसकी वजह से सभी का रजत पर से भरोसा टूट जाएगा। ऐसे में सभी अपनी आई के असली मुजरिम को पकड़ने के लिए अपने जगताप मामा को बुलाएगी, जो कि शहर के काफी ही बड़े लॉयर्स में से एक है। ऐसे में जब सभी रजत को अपने जग्गू मामा से मिलवाएगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सभी दिलवा पाएगी ईशा के मुजरिम यानी कि आशिका को सजा, या रजत बनेगा आशिका की ढाल। क्या होगा आगे शो में नया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टाफी।